नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पिछले दिनों राज्य साइबर सेल में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी जो डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट होती है उसको प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय ने 3 अलग अलग वेबसाइट बनाई है और वो वेबसाइट तय शुल्क पर ट्रांसक्रिप्ट देती है, लेकिन उस वेबसाइट से ज्यादा शुल्क लेकर ट्रांसक्रिप्ट दी जा रही है, जिस पर साइबर सेल ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। तो तीनों वेबसाइट में आए कर DAVVtranscript.com वेबसाइट की जांच की गई कि किसने बनाई है, तो पता चला कि वेबसाइट सत्यम जोशी, जो कि पुणे में रहते हैं, सत्यम जोशी ने ही वो वेबसाइट बनाई थी और उस वेबसाइट के माध्यम से सत्यम छात्रों के आवेदन ले रहे थे और छात्रों को ज्यादा शुल्क में ट्रांसक्रिप्ट बनाकर दे रहे थे। सत्यम जोशी को पुणे से गिरफ्तार कर साइबर सेल इंदौर लेकर आई है और सत्यम से उनका मोबाइल फोन जब्त किया गया है। फिलहाल पूछताछ में सत्यम ने बताया कि 100 के करीब ट्रांसक्रिप्ट वो छात्रों को तय शुल्क से ज्यादा शुल्क लेकर दे चुके हैं। फिलहाल अभी आरोपी से पूछताछ चल रही है, पूछताछ के और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। देखिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रबंधन ने राज्य साइबर सेल की इंदौर इकाई को ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, जो डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट होती है, उसको प्रदान करने के लिए 3 अलग अलग वेबसाइट्स बनाई गई हैं और वो वेबसाइट जो है, जो तय शुल्क रहता है ट्रांसक्रिप्ट देने का, उससे ज़्यादा चार्ज करके और ट्रांसक्रिप्ट प्रदान कर रही हैं। इसकी जाँच उपरांत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और उसी में से जो 3 वेबसाइट्स उन्होंने बताई थी, उसमें से DAVVtranscripts.com इस वेबसाइट्स की जब जांच की गई कि किसने बनाई है, तो पाया गया कि सत्यम जोशी, जो वर्तमान में पुणे में रहते हैं, सत्यम जोशी ने ही वो वेबसाइट बनाई थी और उसके माध्यम से वो छात्रों के आवेदन ले रहे थे और फिर वो ट्रांसक्रिप्ट बनाकर तय शुल्क से ज़्यादा शुल्क में उनको दे रहे थे। सत्यम जोशी को गिरफ्तार किया गया। सत्यम जोशी से उनका सेम और मोबाइल आदि जब्त हुआ। किस उद्देश्य मतलब करते थे? देखिए, इसमें बड़ा सीधा सीधा है कि जो तय शुल्क होता है इसका ट्रांसक्रिप्ट बनाने का, उससे ज्यादा वो राशि ले रहे थे। जो ज्यादा राशि है वो उनका लाभ है, अवैध लाभ है, उसको प्राप्त कर रहे थे। कितना उन्होंने इस तरह के जारी किए हैं और कितना? देखिए, अभी जो पूछताछ, प्रारंभिक पूछताछ हुई है, उसमें 80 से 100 ट्रांसक्रिप्ट के बीच में उन्होंने बताया उनका वेरिफिकेशन। पुलिस वाला न्यूज से स्टेट ब्यूरो हेड अनिल भंडारी की रिपोर्ट।